हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बेयर फेस हूँ क्योंकि मैं आज करने वाली हूँ ओपन पोर्स के बारे में बात, और आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए। इसके बाद मैं होम रेमेडीज वाला वीडियो भी लेकर आऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पर ओपन पोर्स जो है वो हर एक के फेस पर होते हैं, चाहे वो ऑयली स्किन टाइप वाले हों, चाहे कॉम्बिनेशन या फिर ड्राई या सेंसिटिव। ये जो पोर्स होते हैं ना, ये पोर्स कि जो हमारे फेस के ऊपर हल्के हल्के बाल होते हैं ना, उन्हें कैरी करते हैं, और कई बार ये बढ़ जाते हैं। जैसे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, मतलब आपकी उम्र बढ़ती है, एजिंग आने स्टार्ट होती है, तो इसका साइज भी बढ़ने लग जाता है। कईयों को ये अर्ली 20s में भी देखने को मिलता है, क्योंकि मेच्योरिटी के साथ साथ भी उनके जेनेटिक, अगर उनके मदर फादर या फैमिली में किसी को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, तो ये डेफिनेटली आपके ऊपर आने ही वाली है। ये जनरली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, नोज के ऊपर देखने को मिलेगी, फोरहेड पर देखने को मिलेगी, और कई बार चिन एरिया पे भी देखने को मिलती है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, जब मैं 25 क्रॉस किया था 26 के आसपास, तो मेरे यहाँ पर नोज के आसपास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी मदर को ये सेम प्रॉब्लम है। मैं अभी भी स्टिल मेरे में प्रॉब्लम है ये वाली, अभी तक पूरे तरीके से ये सॉल्व नहीं हुआ, और एज के साथ ये और ज़्यादा बुरी दिखती है, और ज़्यादा बड़े बड़े दिखते हैं ये। तो ये जनरली क्या होता है, इसके अंदर या तो ब्लैक हेड हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा, मतलब अगर डस्ट हो या पॉल्यूशन हो, आजकल तो हम घर पे रह रहे हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब हम बाहर जाते थे तो पॉल्यूशन के कारण जो है यहाँ पर ब्लैक हेड वाइट हेड दिखने को मिलता था, फेस काफ़ी ज़्यादा डल लगता था। तो आज इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो आप किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स मैं इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। यहाँ पर जो प्रोडक्ट थोड़े बहुत मुझ पर काम किए ना, वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को भी दबा ले, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम में मिलती रहे और हम इस तरीके से मिलते रहे। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वैसे चाहेंगे आप कर ही लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी है अनुप्रिया व्लॉग्स, वहां पर मेरे 1K होने वाले हैं। मैं 980 या 81, वैसे 990 होते हैं और फिर दोबारा कम होकर 980 हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो आप वहां जाकर फटाफट से 1000 जो है वो फॉलोवर्स मेरे करवा सकते हैं। और इस वीडियो को या बाकी वीडियोस भी देख लीजिए यार, इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, आप लोग देखते ही नहीं हो। चलिए कोई बात नहीं, मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है, कभी ना कभी तो आप देख ही लोगे। तो अभी ज़्यादा डिले ना करते हुए वीडियो में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके बारे में बहुत बार बात कर चुकी हूँ, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो भी बना चुकी हूँ, ऊपर आई बटन पे लिंक, और वो काफ़ी पेनफुल पिंपल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो आप इससे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लींस कर ले, ये इसीलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये हर्बल है, और हर्बल चीज़ें जो है वो हमारे स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। तो अभी मैं इससे अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है बायोडर्मा की ये क्रीम। ये क्रीम है और इतनी अच्छी है कि इसे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर आपके फेस के ऊपर रैशेस हो जाते हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, कोई और क्रीम सूट नहीं करती है, मॉइस्चराइजर सूट नहीं करता है, तो ये आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये सीटाफिल जैसी ही है लेकिन उसका एडवांस वर्जन है, तो आपको इसे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ट्राई देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैं छोटू सी कहाँ से लेकर आई हूँ। बेसिकली ये मैंने स्मिटन ऐप से मंगवाई थी। अगर आप लोग मुझे पहले से जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि स्मिटन ऐप एक शॉपिंग ऐप है जहाँ पे आपको फ्री ट्रायल्स मिलते हैं, ट्राई करने के लिए। ऑब्वियसली अगर आप बड़ा प्रोडक्ट नहीं परचेज करना चाहते और चाहते हैं कि हम ट्राई करके देखें, तो वहाँ पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्री ट्रायल में आपको मिल जाते हैं, मतलब आपको 1 रुपया नहीं पे करना होता, सिर्फ 30 रुपीज शिपिंग चार्जेस आपको पे करने हैं, अदरवाइज आपके अकाउंट में 199 रुपीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, जिसे आप बड़ा प्रोडक्ट परचेज करने में यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितना ज्यादा लाइट वेट है, इतना लाइट वेट है कि आप अगर कोई गर्मियों में कोई क्रीम ढूंढ रहे हैं तो ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं देता है, और बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, और ऑल स्किन टाइप के लिए है, पैराबेन फ्री है, और ऑल स्किन टाइप के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि ऑयली वालों को और बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता, और ड्राई वालों को बिल्कुल ड्राई की तरफ नहीं ले जाता, एक नॉर्मल फिनिश देता है, और आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी रेड पैचेस नहीं होंगे, और काफ़ी ज़्यादा सेफ है, और डॉक्टर्स भी इसे रिकमेंड करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप भी ट्रायल सैंपल
सैंपल्स मंगवा सकते हैं। सभी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्मिटन ऐप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ। आप जो है इसका जो है इस तरीके से ट्रायल सैंपल भी मंगवा सकते हैं स्मिटन ऐप से। मैंने भी स्मिटन से मंगवाया था क्योंकि मैं इसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके देखना चाहती थी। बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा रिजल्ट्स देखने को मिले और मैं काफी बार इसे इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ और इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप भी एक बार स्मिटन से जरूर। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करने वाले हैं अब स्टार प्रोडक्ट, ये भी बायोडर्मा का पोर रिफिलर है। तो ये भी एक क्रीम है, ये भी मैंने स्मिटन से मंगवाया था। इसे भी मैं लास्ट काफी दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ, 7 दिन मतलब 3 से 4 दिन तो मुझे हो गए हैं। अब इसका भी आपको थोड़ा सा लेना, आप देखिए निकल भी नहीं रहा है इतना सा है, मतलब इतना मैं यूज कर चुकी हूँ इसको। तो आपको बस जहां जहां आपकी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वहां पे अपने टारगेटेड एरियाज पे आपको इसे अप्लाई करना है और बस हल्का हल्का जो बच जाएगा उसे अपने फेस पे स्प्रेड कर देना है। तो ये इतना इजी है अप्लाई करना और इतना अच्छा लगेगा और इतना लाइट वेट है, आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ अप्लाई किया। बस इसे इस तरीके से अप्लाई करके डैब डैब करते हुए आपको इसे छोड़ देना है और ये एकदम से स्किन में चला जाता है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे लास्ट प्रोडक्ट जो आपको अप्लाई करना ही करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप आई अपने अंडर आई एरिया मतलब लाइट फील करवाएंगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये एरिया सबसे ज्यादा ड्राई हो जाता है और सबसे डेलिकेट है। तो यहाँ मैं ये मास्क इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये मास्क जो है बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है, आपके अंडर आई एरिया को काफी अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर बहुत ज्यादा सीरम है, जैसे हम शीट मास्क का इस्तेमाल करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही ये काम करता है, सिर्फ अंडर आई एरिया पे और इनफेक्ट उससे भी ज्यादा। और ये गोल्डन कलर का है, मतलब मुझे ये पर्सनली इतना रिलैक्सिंग लगता है ना, बस इसे अप्लाई कीजिए और छोड़ दीजिए। आप चाहें जैसे मेकअप से पहले भी कर सकते हैं कि इसे अप्लाई किया और उसके बाद अपना मेकअप लगाया और उसके बाद आप जो है अपना बेस मेकअप कर सकते हैं आई मेकअप करने के टाइम पे। आप इसे अप्लाई कीजिए, आई मेकअप कीजिए तो फोल्ड डाउन जो भी होगा इसके ऊपर होगा और यू आर गुड टू गो। अपना बेस मेकअप आप कीजिए, अंडर आई एरिया के नीचे जो जितनी भी फ्लेकीनेस होगी जितनी भी पफिनेस होगी उसे ये दूर कर देगा। बस आपको 10 मिनट तक इसे रखना है और ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पर आपको काफी रिलैक्स फील होने वाला है, 20 मिनट बाद आपको खुद को काफी रिलैक्स फील होगा और आपका अंडर आई एरिया काफी हाइड्रेटेड फील करेगा। अब बारी आती है लास्ट स्टेप की, जो कि मोस्टली ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को जो है वो बढ़ा देता है क्योंकि ये स्टेप मोस्टली लोग स्किप कर देते हैं, वो है सनस्क्रीन अप्लाई करना। यहाँ पर मैं बायोडर्मा का ही सनस्क्रीन अप्लाई, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी है एजिंग को कंट्रोल करने के लिए, सड़ने के लिए। और ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया, पता नहीं इसमें है अभी कि नहीं, ऑलमोस्ट खत्म ही है। तो जस्ट इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए और डैब डैब करके इसे छोड़ दीजिए। आपको डैब डैब करके अप्लाई करना, ये बायोडर्मा का सनस्क्रीन SPF 50 के साथ आता है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये 2 टाइम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सेंसिटिव स्किन टाइप वाले जिन्हें सनस्क्रीन अप्लाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है उनके लिए बहुत अच्छे से काम करने वाला है। यहाँ पर आपका स्किन केयर खत्म हो जाता है, लेकिन उससे पहले हम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करेंगे, वो है ये वाला लिप बाम, मेरा फेवरेट। आप कोई सा भी लिप बाम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है स्किन केयर ओपन पोर्स वाला कंप्लीट होता है और सभी प्रोडक्ट्स के डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो कैप्शन में मिल जाएंगे, तो एक बार चेकआउट कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर देना, इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपका और कोई आपको प्रोडक्ट सूट करते हैं। मैंने सारे सेंसिटिव स्किन टाइप वाले ही प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं जो कि ओपन पोर्स को रिड्यूस करने में आपकी मदद करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे पता लगे कि आपने देखा है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे, जिसे ज्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो ये ट्राई कर सकते हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। बाकी मिलती हूँ, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी अनुप्रिया ब्लॉग्स। मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।